बताओ कि भी ये यूं ही बैठे हो। अरे अपने पिताजी से पूछ, रिश्तेदारों में जाके क्या फूल खिलाकर आ रही है पिताजी? अरे बेटा जैसा तुम समझ लो वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। वो तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दूं मैं? मैं सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। मम्मी पापा आप दोनों यूं ही सस्पेंस में बातें करते रहेंगे, बताएंगे भी कि क्या हुआ। बेटी तेरे पापा भी कुछ दिन पहले तेरे मामा के चचिया ससुर के बड़ी लड़की के नंदोई के बेटे की शादी में गए थे। अरे वहां जाकर ये तेरे से बात करने लगे, तभी तेरी भोपाल वाली बुआ ने मुझे तुरंत फोन करके कहा। क्यों परी की मम्मी, जैसे अपनी जिंदगी खराब करिए परी की भी करोगी क्या? मतलब ताली से पूछ। पिताजी अभी तो मैं सिर्फ 9वीं कक्षा में, आपको पता है ना बाल विवाह कानून अपराध है। जब मैं इतनी छोटी होके समझ सकती हूँ तो आप इतने बड़े होके नहीं समझ सकते? बेटा मुझे माफ कर दे, पर सच तो ये है कि मैं और तेरी माँ हम दोनों इस दर्द से गुजर चुके हैं, पर वहां इतने बड़े बड़े लोगों की बातों में आके मैं तेरे सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा हूँ। अरे आपको इतना तो समझना चाहिए था कि बेटी का सुनहरा भविष्य उसकी शादी करने में नहीं है, बल्कि पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने से। लेकिन सच बात तो ये है बेटी कि मेरी और तेरे पिताजी की बड़ी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, तो मैं 6वीं कक्षा में थी और कुछ सालों बाद मैं माँ बनी। लेकिन माँ बनने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ ना होने के कारण मेरी पहली संतान गर्भ में ही मर गई, क्योंकि उसको उतना पोषण नहीं मिल पाया और ना ही मुझे, और कई साल लग गए मुझे पूर्ण स्वस्थ होने में, जिसका असर आज भी दिख रहा है। अरे भाग्यवान, तब मैं कौन सा गबरू जवान था, मैं भी तो बच्चा ही था ना। अरे माना कि आप बच्चे थे, लेकिन शादी के बाद आपने भी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, वरना आज 8वीं पास कहलाते और हमें ये दिन ना देखने पड़ते। नमस्कार सभी को, तो देखा आपने यही होता है जब कम उम्र में विवाह किया जाता है, कम उम्र में माँ बनकर कमजोर हो जाती है बेटियाँ, और होती है जो संतान पैदा वो भी ज्यादातर बच नहीं पाती, छूट जाती है पढ़ाई कम उम्र में बने दूल्हों की भी, न पूर्ण होता है विकास शरीर का और न ही मन मस्तिष्क का समझ बूझ का। एक ये घर था और एक वो घर है, कौन सा घर? वही अजय और लक्ष्मी का घर, उनका सही उम्र में हुआ विवाह, तो घर आंगन में खुशियां बिखर गई और लड़का अपने काम और नौकरी में भी बढ़ता है आगे, और लड़की भी कर लेती है पढ़ाई पूरी और कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाने के लिए रहती है तैयार, पति पत्नी भी रहते हैं स्वस्थ और जो संतान होती है वो भी रहती है स्वस्थ। मतलब कोई खुशखबरी आने वाली है उनके यहाँ? मैं क्या बताऊँ, अगर उनके यहाँ खुशखबरी आने वाली भी है तो क्या उन्हें पता है जच्चा बच्चा के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा? ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया था। तो साथी अगर आपको जानना और समझना है ये कहानी तो कृपया ध्यान दें। ध्यान देना है, तुम बचाओ या डाल देंगे।
लक्ष्मी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। लो पवन जी भी आ गए, उससे भी पूछ लेते हैं। अरे पवन भैया मंदिर का नमस्कार पहुंचे। अरे पहुंच गया, सीधे चढ़ दो पे। क्या भैया, सुनीता भाभी ने आपको कोई खुशखबरी दी क्या? नहीं तो। हाँ, जब मैं आ रहा था तो मुझे देखकर जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही थी। Bye.
गर्भावस्था के 9 महीने यानी कि 270 दिन, फिर बच्चे के जन्म लेने के बाद के 6 महीने यानी 180 दिन, फिर 6 माह से 24 माह तक यानी 550 दिन, तो हो गए ना पूरे 1000 दिन। जी मैडम, 1000 दिन का हिसाब तो समझ में आ गया, इसी किताब यानी मतलब तो समझा दीजिए। गर्भावस्था प्रारंभ होते ही आपको पंजीकरण कराना होता है, पंजीकरण के तुरंत पश्चात हम आपको एक्सपी कार्ड बना कर देते हैं, साथ ही आपको सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका भी प्रदान की जाएगी और आपका दिन प्रारंभ होगा। तो भाई और बहनों, आपका समय शुरू होता है अब। आपके किसी यही खेलेंगे या घर जाके खिला दो? अरे अरे माफ करो मैडम, आप बोलिए। गर्भावस्था के 9 महीने यानी 270 दिन आपके और आपके परिवार वालों को गर्भवती महिला का विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चे के जन्म से पहले गर्भवती महिला की 4 आवश्यक जांचें अवश्य कराएं। पहले 3 महीने फॉलिक एसिड की गोलियां दें। समझ लो लक्ष्मी, मैडम से गोलियां लेनी है, कहीं तुम भूल ना जाना कि तुम्हें गोलियां समय पर लेनी है, नहीं तो तुम्हें याद दिलाने की जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी होगी। नहीं अजय जी, आप इन्हें याद क्यों दिलाएंगे? ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लक्ष्मी को समय समय पे स्वयं दवाएं। हमेशा परिवार वाले ये क्यों सोचते हैं कि गर्भवती महिला अपना ध्यान खुद रख सकती है? ये आपके साथ साथ आपके परिवार की जिम्मेदारी है कि वे उनके दवाई का, टीके का, इन सभी का ध्यान रखें, क्योंकि पैदा होने वाला शिशु सिर्फ उसी की संतान नहीं है किंतु पूरे परिवार का एक आवश्यक हिस्सा है। सही कहा मैडम, यह तो पूरे परिवार का दायित्व है कि वह गर्भवती महिला का ख्याल रखे। मैं तो अभी से इसकी शपथ लेता हूँ। हम भी शपथ लेते हैं। आगे बताइए ना। मासिक वजन वृद्धि, उचित आहार और आराम, आयरन तथा कैल्शियम की गोलियां नियमित सेवन करें एवं टीके लगवाएं। इसी बीच यदि किसी खतरे के लक्षण की पहचान हो तो उसका भी सही ढंग से ध्यान रखें। इसी प्रकार बच्चे के साथ होते हैं 270 दिन, अब अगले 6 महीने यानी 180 दिन। बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान कराएं यानी माँ का दूध पिलाएं, इससे बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। माँ के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें तथा उसे आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी देते रहें। और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा मैडम? अपने आहार के साथ साथ बच्चे के वजन का विशेष ध्यान रखना होता है। 6 महीने सिर्फ अपना दूध पिलाएं, माँ के द्वारा स्तनपान कराना ब्राह्मण इलाज। बच्चे को जन्म के समय 1.5 माह, 2.5 माह तथा 3.5 महीने पर आवश्यक टीके अवश्य लगाएं। आपके एमसीबी कार्ड में हमारे द्वारा ये जानकारी भरी जाती रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद मैडम, अब हम आंगनवाड़ी केंद्र आते रहेंगे। चलो लक्ष्मी। अब हम सब समझ गए, अब हम आंगनवाड़ी केंद्र आते रहें।
बातें देखी और सुनी होगी। जी कहानी तो सुगत बोर्ड पर समाप्त होती है, अब लोगों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब यहाँ मातम की जगह बस बधाइयां ही सुनाई देती है, इसीलिए कहते हैं एक हजार दिन कृपया।